हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी फ्रॉम मोहाली। आज मेरा पहला व्लॉग है, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं अपना ये पहला व्लॉग वृंदावन से स्टार्ट करना चाहती थी, तो वो मेरी इच्छा पूरी हो गई है। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ मोहाली से सीधा वृंदावन। बाय ट्रेन हम जा रहे हैं, अभी फिलहाल हम अपनी गाड़ी में। हेलो गाइस, हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ जंक्शन, चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन आ गए हैं हम। तो अब हम आपको, अभी हमारी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है, अभी लगेगा हमें 12:20 से ट्रेन आएगी और ये हमें 7 बजे पहुंचा देगी मथुरा जंक्शन। सो हम पहुंच गए हैं अंबाला स्टेशन है। अंबाला से होते पानीपत से दिल्ली से हम मथुरा पहुंच जाएंगे। हम पहुंच गए हैं मथुरा जंक्शन, मथुरा पहुंच गए हैं, 7 बज चुके हैं पूरे। अब हम मथुरा में ही स्टे करेंगे, बहुत थक चुके हैं, 7 घंटे का रास्ता है। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं मथुरा, थक चुके हैं बहुत ट्रेन में। तो अब हमने रूम ले लिया है, रूम ठीक ठाक सा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एसी रूम है, क्योंकि गर्मी हो गई है तो रूम हमने ले लिया है। बहुत कम प्राइस में हमें रूम मिल गया है, ओनली फॉर 900 में हमने रूम ले लिया है। तो अब हम सुबह दर्शन करने जाएंगे, तो आपको सब दिखाएंगे। गाइस हम पहुंच गए हैं गोकुल धाम, यहाँ पे हम दर्शन करेंगे। हाँ जी ब्राह्मण मैडम जी, बताइए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, लड्डू गोपाल की जय, बोलो यशोदा मैया की जय, से ताली बजाओ राधे 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 राधे, ऊपर करके हंस लो। आप दर्शन करो, ये सुनना और समझने की जगह मैया, ठीक है? पहले वीडियो बाद में बनाना, पहले सुन लो, ठीक है? देखो ये है यशोदा कुंड, जब कन्हैया जी 6 दिन के हुए थे ना, उनका 6 दिन का वस्त्र धोया था यहाँ पर यशोदा मैया ने, यहाँ से नाम पड़ा छठी, है ना? दो कदम कब्र छाप देखो उस किनारे पे कुंड के। हेलो गाइस, हम यहाँ गोकुल की गलियों में आ गए हैं। हाँ यहाँ देखिए, अगे भी आ गई, यहाँ देखिए बहुत पुराने मकान है, यहाँ गोकुल बहुत ही पुराना है। हेलो गाइस, ये नंद भवन है, नंद भवन के हम आपको दर्शन करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तपू भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोजन करे और एक गौ दान खाए, तेमा 1301 रुपया दान करे, 1301
क्या करनी है जी ने मार दिया खाया खून चलाया पानी रही है माखन कमियाँ तो माखन में से भोग लगता है क्योंकि जगत में भोग लगते हैं तीन जगह कहाँ कहाँ पे जगन्नाथ चार धाम का कीर्त है। जब कन्हैया जी का जन्म हुआ था ना तो यशोदा मैया की आयु 60 वर्ष की थी। कितना 60 वर्ष 60 वर्ष की आयु में नंद बाबा के बदली हुआ था यशोदा मैया के जन्म में लाला को झुलाया था 60 साल की आयु। तीन माँ थी देवकी जिन्होंने जन्म दिया, दूसरी माँ यशोदा मैया ने पाला और तीसरी माँ थी पूतना जिसने दूध पिलाया था विष का दूध पिलाया था वो तीसरी माँ थी। देखो जगत में हमारा गोपा का है ना चार धाम का तीर्थ तो यशोदा मैया नंद बाबा को बनना था चार धाम का तीर्थ मगर इतनी आयु में कैसे चल पाते इसलिए चारों धामों को कन्हैया जी ने गोकुल में बसा दिया। इसलिए यहाँ आते हैं चार धाम के तीर्थ को फल मिलता है पुण्य में। एक वृक्ष गोकुल लगो डार गई जगन्नाथ फूलो तो फूलो द्वार का फल लागो बद्रीनाथ। चारों धामों का जो जड़ है ना वो गोकुल धाम क्योंकि कन्हैया जी ने जन्म यहाँ लिया शंकर भगवान दर्शन यहाँ करने आए। अगर यहाँ कन्हैया जी ने जन्म नहीं लिया होता तो क्या चार धाम होता इसलिए ऐसे पूरा जड़ है। एक अगर पानी दो तो हरा होगा नहीं होगा मगर जड़ में दोगे तो हरा होगा तो ये जड़ है चार धाम के तीर्थ। जगत में भोग लगे तीन जगह जगन्नाथपुरी में लगता है भात का भोग चावल और कड़ी का भोग जगत जगन्नाथ का भात और जगत पसारे भात बद्रीनाथ में लगे पंचमेव कच्ची दाल को और यहाँ लगता है माखन मिश्री। यहाँ भोग लगते हैं तीन प्रकार बाल भोग मंगल भोग और राज भोग। बाल भोग मंगल भोग भोग लगते ठाकुर जी को मगर भगवान नहीं खाते। खाते कौन है साधु संत गौ यहाँ जो गौ है कृष्ण में उनके लिए जाता है या मीरा भाई भजन करे हरे राम हरे कृष्णा उनके लिए जाता है। तीसरे भाग्य का जाता है साधु संत ब्राह्मण को और चौथे भाग्य का लगता है ठाकुर जी को। जो भोग लगाते हैं उन्हें मिले झोली भर के प्रसाद। झोली में ही प्रसाद क्यों लेते हैं जिनकी झोली खाली होए उनकी झोली भरे लड्डू में पहले तो कन्हैया आ जाइए तो उनको घर है यहाँ तो जो मांगो सो पाओ तो झोली भरे उनके घर आनंद की बधाई हो नाती बेटा पंती सामने खेले लंबी आयु को वरदान मिले इसलिए झोली में प्रसाद लेते यहीं से मिलते इस तरीके का मंगल वस्तु ये कन्हैया जी के वस्तु यहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की उस कदम के वृक्ष को बनती ना यहीं से मिलते मंगल वस्तु मंगल वस्त्र मिलते अगर उस वस्त्र को कदम के वृक्ष पर बांधो तो 11 महीने में मनोकामना पूरी क्या 11 महीने में मनोकामना पूरी और घर लेके जाओ कथा भागवत आपका जो भी चीज परम हो उसे पहन कर करो तो समृद्धि बढ़ती है। और तिजोरी हाँ और ये गुटो धान की तिजोरी में रखो तो धन बढ़ता है मगर ये क्या है जैसे हम हाजिरी लगाते हैं ना इस तरीके से ठाकुर जी को पहले हाजिरी भोग लगाना और भोग के बाद मिलता है ये मंदिर से मिलता है। मंदिर जब ठाकुर जी का भोग लगाओगे ना तो पुजारी देते हैं ठाकुर जी के चरणों से लगा इसलिए मंगल वस्त्र बोलते हैं। भोग लगे तीन प्रकार के बाल भोग मंगल भोग और राज भोग। भोग तीन प्रकार के इसलिए लगते हैं माता पिता और गुरु इनका ऋण हम जीवन में नहीं चुका पाते आज उनके नाम से हम तीर्थ करते भोग लगाते उनके ऋण से मुक्ति पाते हैं। ये जन्मभूमि है श्री कृष्ण जी की यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था पर यहाँ पे अंदर मोबाइल वगैरह जाना अलाउड नहीं है। राधे राधे।